हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर डिस्कशन करेंगे। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्विक रिविजन कर सकते हैं। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, इसकी स्थापना कोलकाता में भीकाजी कामा के द्वारा की गई थी। ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में की गई थी। इसके स्थापना करने में भीकाजी कामा नहीं थे, इसकी स्थापना एक रूसी महिला पी एच व्लावत्स्की के द्वारा और एक अमेरिकी कर्नल हेनरी अलकोट के द्वारा की गई थी। ये संस्थान 1882 में भारत आता है। भारत के मद्रास के पास अडियार में इसकी मुख्यालय को स्थापित किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, इनको आप याद रखेंगे। पहला कथन गलत है, क्यों गलत है हमने देख लिया। दूसरा कथन क्या कहता है, मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना था। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जो प्राचीन धार्मिक परंपरा है, जो दर्शन है, वेदों पर आधारित जो सिद्धांत है, उसको बढ़ावा देने के क्षेत्र में थियोसोफिकल सोसाइटी जोर शोर से कार्य करता है। इसका मुख्य लक्ष्य पूरे विश्व में एक सार्वभौमिक मानवता और भाईचारे का वातावरण निर्मित करना था। यानी कि दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या कहता है, केंद्रीय हिंदू दर्शन को मूल संगठन के रूप में चुना गया था, जो इस समाज के विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर केंद्रीय हिंदू दर्शन कहा गया है, हिंदू दर्शन नहीं है। वेद को इसका केंद्र में रखा गया था, जो हिंदू संस्कृति थी, मानवता का जो आधार था, उनको केंद्र में रखा गया था, हिंदू दर्शन को केंद्र में नहीं रखा गया था। इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि केवल और केवल दूसरा सही है और आपको सही की ही पहचान करनी थी। फ्रेंड्स, एक अन्य बात जो इससे संबंधित है, उसे आपको याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो नस्ल, रंग, पंथ, इन सब से आगे बढ़ के मनुष्यों के बीच एक सार्वभौमिक भाईचारे का वातावरण निर्मित करना। भारत में जो वेदों की संस्कृति रही है, उन प्राचीन धर्म और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना था। 1893 में इस संस्थान यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ एनी बेसेंट जुड़ती है, जब कर्नल एलकोट की मृत्यु हो जाती है, ये इनका नेतृत्व संभालती हैं। आगे चलकर एनी बेसेंट के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी मुख्य भूमिका निभाई जाती है। लेकिन एक अन्य बात जिसे आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों के सहयोग से बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्लासी की लड़ाई के संभावित निहितार्थ हो सकते हैं। आपके दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन की पहचान करनी है। पहला क्या कहता है, इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जिसने बंगाल में अपनी उपस्थिति के राजस्व और उसके समेकन को निकालने के लिए अधिक से अधिक शक्तियों का नेतृत्व किया। आप जानते हैं प्लासी की लड़ाई के बाद भारतीय इतिहास का परिदृश्य बदल जाता है। लड़ाइयों का जो दौर शुरू होता है, उन सब के बावजूद भारत और भारतवासी अपने आप को एक ऐसे जंजाल में फंसाते चले जाते हैं जो आने वाले 300 सालों तक भारत को फंसाए रखता है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही था जिसने राजस्व के मामले में और अपनी शक्तियों के मामले में प्लासी की लड़ाई के बाद ही अपने आप को स्थापित किया था। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, इसके परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईआईसी को अधिक सैन्य लाभ हुआ, जिसने उन्हें अन्य यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों को बंगाल से दूर रखने की अनुमति दी। फ्रेंड्स, जब प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व का अधिकार मिल गया, साथ ही सैन्य शक्तियों को और मजबूत और सुदृढ़ करने का अधिकार मिल गया, उसके बाद
इसका फायदा उन्होंने जो दूसरे यूरोपीय शक्तियां थी, चाहे वो फ्रांस थे, चाहे वो डच थे या फिर नीदरलैंड के थे, जो भी थे, उन लोगों को बंगाल के क्षेत्र से बाहर रखने में अपनी इस शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया था। यानी कि दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार का स्टेटमेंट यूपीएससी देती है, आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके माध्यम से जो उस समय बंगाल के नवाब थे या फिर जो दिल्ली में शासन था, उन दोनों पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जाता है। उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राजवाड़े हुआ करते थे, वहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ता चला जाता है। इसके माध्यम से वो अपनी सैन्य शक्ति को बहुत मजबूत कर लेती है, जिसका फायदा वो दूसरे औपनिवेशिक शक्तियां जैसे कि डच या फिर फ्रांसीसी, इन सबको पूरे के पूरे दक्षिण एशियाई इलाके से, न सिर्फ बंगाल के इलाके से बल्कि पूरे के पूरे दक्षिण एशिया के इलाके से बाहर रखने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कौन कौन सी क्रांतियां हुई। आई होप कि हम इसी प्रकार के कोई ना कोई एक प्रश्न देखेंगे जिसमें आपको उसके बारे में भी जो भी थियोरी है उसे बताने की कोशिश करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मध्यकालीन भारत में महामंडलेश्वर एक ऐसा शब्द है जिसका अक्सर उपयोग किया जाता है, किसके संदर्भ में। चार ऑप्शन क्या कहते हैं, सामंतों ने अपने राजाओं को पछाड़ने के लिए शक्ति और धन प्राप्त किया। दूसरा कहता है, राजा जिन्होंने एक विदेशी अभियान चलाया, पुजारी जिन्होंने सबसे अधिक अश्वमेघ यज्ञ किए, कई देवताओं के साथ मंदिरों के संरक्षक। तो फ्रेंड्स महामंडलेश्वर जो होता था वो एक प्रकार का सामंत होता था। आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा में भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत जो राजा हुआ करते थे उनको अलग अलग सामंतों का समर्थन प्राप्त होता था। इन सामंतों के शक्तियों के आधार पर ही राजा शक्तिशाली हुआ करता था। सामंतों से अपेक्षा की जाती थी कि वो सैन्य शक्ति राजा को उपलब्ध कराएंगे। जो सामंत होते थे उनसे अपेक्षा की जाती थी कि धन इत्यादि को राजा को उपलब्ध कराएंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि जो सामंत होते थे वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते थे धन के मामले में, सैन्य मामले में, तो उन्हें ही महामंडलेश्वर कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे। बहुत बार इन्हीं शक्तियों का दुरुपयोग भी होता था, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और जो दुरुपयोग किया जाता था वो इस रूप में किया जाता था फ्रेंड्स, कि वो जो सामंत होते थे वे अपने अधिपति यानी कि जो राजा होते थे उनसे स्वतंत्र होने की कोशिश भी करते थे। जो भारत में इतनी सारी अलग अलग क्षेत्रों में राजा थे उनके पीछे जो कारण था वो यही था। तो ये आप याद रखेंगे, सामंत होते थे वो या तो जमींदार हो सकते थे या फिर योद्धाओं के प्रमुख हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। इस प्रकार की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, राजव्यवस्था के अंतर्गत 7वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, गुप्त साम्राज्य में परम भट्टारक था कौन थे। परम भट्टारक का मतलब क्या है, कौन हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। पहला कहता है, शांति और संघर्ष की परिषद, विदेशी मामलों के मंत्री, अन्नदाताओं के प्रभारी, गुप्त राजा द्वारा अपनाया गया शीर्षक। तो आपने निश्चित रूप से गुप्त साम्राज्य के बारे में जब पढ़ा होगा तो वहां पर देखे होंगे कि बहुत सारे राजा अपने नाम के आगे परम भट्टारक लिखते थे, यानी कि ये गुप्त साम्राज्य के राजाओं के द्वारा अपने लिए दिया गया एक प्रकार का शीर्षक या फिर उपाधि हुआ करता था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ये जो उपाधि दिया जाता था वो उन राजाओं को दिया जाता था जो विष्णु के आराधक होते थे या फिर उपासक होते थे, उनको ही या तो बलिया बत्ता कहा जाता था या फिर परम भट्टारक कहा जाता था। आप जानते हैं कि गुप्त राजाओं के द्वारा ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को संरक्षण दिया जाता है। आप आज जो पुराणों को जानते हैं, जिस मंदिर कला को आप जानते हैं, ये गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत निर्मित और शुरू किया गया प्रवृत्ति ही था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ब्राह्मणवादी हिंदू संप्रदाय के बढ़ावा के क्रम में वैष्णव धर्म, शिववाद,
शक्ति उपासना इन तीनों को ही बढ़ावा दिया जाता है। जो वैष्णव धर्म था वो भारत के उस समय गुप्त साम्राज्य के जो काल था उसमें पश्चिमी हिस्सों में, शिववाद जो था वो दक्षिण हिस्सों में, और शक्ति जो थे वो पूर्वी हिस्सों में माना जाता था। तो इसे भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित शासकों में से किसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक या फिर स्थापक, यहाँ पे संस्थापक होना चाहिए, स्थापना की थी, मतलब किसने की थी, आपको ये बताना है। बहुत आसान है, आप जानते हैं धर्मपाल, इनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये पाल साम्राज्य से संबंधित थे, तो ये काफ़ी आसान है, ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में जो अवशेष बचा हुआ है वो देखने में कुछ इस प्रकार का है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करें, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।